हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल स्टेशन। दिस इज चैप्टर 6, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ क्लास 8। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करने के बाद अब हम इंट्रोडक्शन के वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। नाउ नंबर का स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे हम। स्क्वायर बेसिकली क्या होता है वो हमने एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ द नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय द नंबर इटसेल्फ। किसी नंबर को सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलता है वो नंबर का स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 square is equals to 3 multiplied by 3 which is equals to 9। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या मिला, 9। दैट मीन्स 9 3 का स्क्वायर है। सिमिलरली 15 square is equals to 15 multiplied by 15 which is equals to 225। सो 225 15 का स्क्वायर है। 37 square is equals to 37 multiplied by 37 which is equals to 136 times 1369 37 का स्क्वायर है। ओके, सो जब नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होता है, नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। बट जब छोटे नंबर का स्क्वायर हम फाइंड करते हैं, कैलकुलेशन इजी होती है, इजीली हमें आंसर मिल जाता है। जब बड़े नंबर का स्क्वायर हमें फाइंड करना होता है तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो जाती है और मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होने की वजह से गलती होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे गलती होने के चांसेस खत्म हो जाए, कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाए। या समटाइम्स क्वेश्चन हमसे बोल देता है कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है बिना उसको मल्टीप्लाई किए। उस केस में हम नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे वो हमें सीखना है। कोई नंबर ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 37 square। एग्जाम्पल में 37 square मैंने इसलिए लिया है ताकि अपने आंसर को हम यहाँ से मैच करके वेरीफाई कर लें। नाउ 37 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर हमें दूसरा मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले हमें 37 को स्प्लिट करना है। 37 कैन बी रिटर्न एज 30 plus 7। क्लियर, 30 plus 7 37 ही तो होगा। तो 37 के प्लेस पे हम 30 plus 7 लिख सकते हैं। 37 का स्क्वायर है, सो 30 plus 7 का होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर। नाउ अब क्वेश्चन देख के आपको याद आएगा कि यहां तो हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस की है, विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। रिमेंबर, अब ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज करनी है। यहाँ a के प्लेस पे 30 है और b के प्लेस पे 7 है। 30 plus 7 होल स्क्वायर विल बी 30 square plus 7 square plus 2 into 30 into 7। सी 30 square is 900। 0 छोड़ के 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 square is 9। जीरोस डबल हो जाती है, 1 0 से 2 0 हो जाएंगे। 30 square is 900 plus 7 square is 49 plus 2 7s are 14 14 3s are 42। 1 0 है 1 0 लगा देंगे, इट विल बी 420। नाउ इन तीनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। 900 plus 420 plus 49। 0 plus 0 plus 9 is 9। 0 plus 2 plus 4 is 6। 9 plus 4 is 13। ऐड करके आंसर मिला हमें 1369। नाउ इट विल बी 1369 और बस यही होगा हमारा आंसर। तो 37 का स्क्वायर क्या होगा, 1369। ओके, जब हमने 37 को 37 से मल्टीप्लाई किया था तब भी आंसर सेम था 1369 और यहाँ भी आंसर सेम है 1369। अब ये तो क्लियर हो गया, जब क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम होगा, मेथड चाहे हम कोई भी यूज करते हैं। ओके, तो जब हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है और वो बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तब हम ये मेथड यूज करेंगे और नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। या समटाइम क्वेश्चन हमें बोलता है कि हमें नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना, बिना मल्टीप्लाई किए हमें नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, तब भी हम यही मेथड यूज करेंगे।
ओके तो नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल, नंबर को स्प्लिट करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है, देन आंसर हमें मिल जाएगा। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। नाउ कमिंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? लेट सपोज वी हैव 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 एंड 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। क्लियर? एंड 25 वी नो दैट 5 का स्क्वायर होता है। क्लियर? सो वी कैन से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। क्लियर? अब यहां जो नंबर है 3, 4, 5, बस यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ द नंबर्स 3, 4 एंड 5 इज नोन एज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर? या कुछ और नंबर्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे। 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 100। 100 हम जानते हैं 10 का स्क्वायर होता है। सो इट कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। क्लियर? अब यहां जो नंबर्स हैं 6, 8 और 10, ये नंबर्स भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। 6, 8 एंड 10, ये तीनों नंबर का कलेक्शन भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्लियर? सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेसिकली वो तीन नंबर हैं जिसमें से दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यू कैन सी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। 6 और 8 के स्क्वायर का सम 10 के स्क्वायर के इक्वल है। सिमिलरली 3 और 4 के स्क्वायर का सम 5 स्क्वायर के इक्वल है। नाउ पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक्चुअली क्या होता है वो समझने के लिए हमने अपनी साइड से दो नंबर लिए और थर्ड नंबर फाइंड कर लिया, लेकिन जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें एक नंबर गिवन होगा और बाकी दो हमें फाइंड करने होंगे। कैसे करेंगे देखो। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जनरल फॉर्म, वी नो दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तीन मेंबर होते हैं। एक मेंबर होता है 2m, दूसरा मेंबर होता है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा मेंबर होता है m स्क्वायर प्लस 1। m यहां पर कोई नंबर होगा। नाउ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे वहां पर क्वेश्चन में हमें तीनों में से एक मेंबर दिया होगा, बाकी दो मेंबर हमें फाइंड करने हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ 8, 8 के पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें फाइंड करने हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के तीन मेंबर होते हैं, उसमें से एक मेंबर हमें गिवन है, बाकी दो फाइंड करने हैं। ओके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो एक मेंबर हमें गिवन है, पहले इससे हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट सपोज 2m इज इक्वल्स टू 8, m की वैल्यू फाइंड करनी है। m के साथ 2 मल्टीप्लाई है, 2 को हमें LHS से RHS में लेके जाना है। LHS में कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो RHS में जाके डिवाइड होगा। इट विल बी m इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 2। नाउ m इज इक्वल्स टू 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 4। तो m की वैल्यू मिल गई हमें 4। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग तीन मेंबर होते हैं, एक मेंबर होता है 2m, दूसरा मेंबर होता है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा मेंबर होता है m स्क्वायर प्लस 1। वी नो दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तीन नंबर होते हैं, एक नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है, बाकी दो फाइंड करने हैं। ये नंबर यूज करके हमने m की वैल्यू तो फाइंड कर ली। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये 2m वाले जनरल फॉर्म यूज किए, तो बाकी जो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के दो मेंबर फाइंड करने हैं उसके लिए अब हम ये दोनों जनरल फॉर्म यूज करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। 2m इज इक्वल्स टू 8 हो गया। नाउ सेकेंड मेंबर इज m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4। इट विल बी 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 इज 15। सो सेकेंड नंबर 15 होगा एंड थर्ड मेंबर इज m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, m के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4। इट विल बी 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 1 एंड 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 17। तो थर्ड नंबर होगा 17। क्लियर? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तीन नंबर होते हैं, एक नंबर हमें गिवन था 8,
तो बाकी दो नंबर क्या होंगे, 15 एंड 17। सेकेंड नंबर होगा 15 और थर्ड नंबर होगा 17। क्लियर, दिस विल बी आंसर। बस इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर गिवन होगा और बाकी दो आपको फाइंड करने होंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट और ये एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो से वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक यू कैन मेंशन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक टूडेज वीडियो। Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.